Baklol line. Baklol line. शुरू हो गया। हेलो जी, मैं हूं रमिया बकलोली जी। आप अच्छी तरह जानते ही हो फिल्मी कीड़े वाला। जब जब मेरे अंदर फिल्मी कीड़ा है वो मुझे काटता है तो मैं फिल्म वालों का जीना हराम कर देता हूँ। कलोला ही है जी, कलोला। आपको नहीं पता मजाल है कि मेरा फोन पहली बार में कोई फिल्म स्टार उठा ले ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर हम भी बड़े ढीठ हैं जी, हमें भी फिल्मी कीड़े ने काटा है इसलिए हम फोन दोबारा करते हैं, फिर दोबारा करते। एक्सक्यूज मी, फोन आ। ओ बेटे, सलमान खान का फोन है तो सही। हेलो सलमान भाई, आदर से। आपने मुझे फोन क्यों किया? कम से कम आप मेरी तरह मुझे 300-400 मिस कॉल देते तो मैं आपको वापस कर लेता। ओह सो ग्लैड, आपने तो मेरा दिन बना दिया। आपका कॉल आने से ना दिल में ठंडक पड़ गई, ऐसे लगा जैसे मेरी रेस 3 पक्की हो गई। मतलब? अरे मतलब मेरा ये है कि क्या कमाल की एक्टिंग की है, क्या कमाल की पिक्चर बनाई है और क्या ह्यूमन बीइंग का शिकार किया है। वैसे सलमान भाई, शिकार करने की आदत आपकी गई नहीं है? कलोला ही ने। क्या फिल्म में शिकार का सीन नहीं है? अरे आपने तो फिल्म में 3-3 शिकार किए हैं। अरे मेरे सुल्तान जी, मैं वो हिरन का शिकार वाली बात नहीं कर रहा, वो तो अब तक आप डकार लेना भी भूल गए होंगे। मैं तो सैफ अली खान और अब्बास मस्तान के शिकार की बात कर रहा हूँ। सलमान भाई, सैफू के पास तो ले देकर एक ही सीरीज थी, उसे भी आपने निगल लिया। और सवाल रहा अब्बास मस्तान का, तो आप इसलिए नाराज हो क्योंकि किस किस को प्यार करूं मैं, कपिल की जगह आपको लेना चाहिए था। पर बात ये है ना, उस फिल्म में तो एक्टिंग की जरूरत थी और एक्टिंग और आप दूर दूर तक कलोला ही ने। अरे सलमान भाई, फिल्म है आपकी, अरे लोग आपको देखने आएंगे। और फिर कहानी हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी बाय द वे आपकी पिछली पुरानी फिल्मों की कहानियां होती कहां थी हैं? हेलो हेलो सलमान भाई, हेलो। देखा, इतना बड़ा स्टार है लेकिन 2 रुपए की कॉल मेंटेन नहीं कर सका। कोई बात नहीं दोस्तों, आप भी जाइए रेस 3 एंजॉय कीजिए, लाजवाब फिल्म है और इसमें अनिल कपूर भी है और सलमान खान की दया दृष्टि से बॉबी देओल भी है। बाकी दे सब कलोला ही है।